शायद जिंदा पहाड़ है कहीं ना कहीं उसी में से उधर से, क्योंकि हम लोग उधर ही से आ रहे हैं ना फिर। हाँ। तो पानी उधर ही से लगता है गिरते। अच्छा गिरते। हाँ उधर ही से आ रहा, उधर हम लोग उधर थे जो पहले वाले वाटरफॉल के पास, वो उधर गिर रहा था। देखिए वो रास्ता है, वो रास्ता अंदर, वो रास्ता है जो रास्ता बंद था वही वाला है ना। वही रास्ता है, वही रास्ता है, वो रास्ता बंद था रास्ता। तो हम लोग इधर से घूम के आए, बाकी वाटरफॉल उधर से ऐसे घूमते हुए राउंड करते हुए ऐसे 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 इधर आके गिर रहा है। उधर ही आ गई है ये, उधर राजदरी, इधर देवदरी। अब इसका क्या हिस्ट्री है वो नेट पे मैं देख के आप लोग को बताऊंगा। अभी हमने आप लोगों को कुछ ड्रोन शॉट दिखाया देवदरी का, बताइए आप लोग कमेंट में कैसा लगा। यहाँ पे कुछ अच्छे अच्छे लोग और कुछ हमारे नए सब्सक्राइबर्स मिल गए हैं, जो अभी अभी हमारे सब्सक्राइबर बने हैं, भैया हैं और ये भाई है, छोटा भाई है, बाकी यहाँ पे पूरी फैमिली आई हुई है इनकी। तो आप लोग कमेंट में जाके जरूर लिखिएगा, ठीक है, इस वीडियो को लाइक करिएगा क्योंकि इस वीडियो में सब लोग आए हैं हम लोग ड्रोन शॉट में। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट। अच्छा गाजीपुर से, गाजीपुर से। मेरी एक बेटी है शालवी, इधर आना शालवी, शालवी इधर आओ। हाय करो, हाय शालवी, बोल लो। मेरी बेटी है 3.5 साल की, बोलो अंकल के चैनल को सब्सक्राइब करिए, बोलो बोलो एक बार फिर से बोलो, बोलो एक बार बोलो, बोलो बराबर बोलो, अंकल के चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मेरा छोटा बेटा सक्षम, हाय करो बाबू, हाय करो बेटा, बोलो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मेरी वाइफ है ये सुषमा ठाकुर, भैया हैं और ये भाभी हैं, ये इनकी माता जी है। काफ़ी अच्छा लगा, पूरी फैमिली इस तरह से फैमिली को आप समय देते हैं, ये काफ़ी अच्छा लगता है और सबको फैमिली को समय देना चाहिए। फैमिली जीते हैं लोग पैसा कमाने में और आजकल के भाग दौड़ में बहुत व्यस्त हो गए हैं, फैमिली को समय नहीं दे पाते हैं। और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं भैया, आपका नाम राकेश शंकर नाम है, राकेश शंकर। ये भैया क्या नाम है आपका, बंद करिए ना, आनंद आनंद कुमार भैया हैं, अभी गाजीपुर से हैं, चंदौली, भैया चंदौली से ही हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा आपसे मिलकर। मामी जी हाय करिए, मामी ले जाए तो हाय नहीं की करो, मामी हाय करो। तो मामी को जो जो लोग पहचानते कम से कम वो लोग चैनल को लाइक करके, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, हाय कर दो बाबू, बोल दो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बच्चे शर्मा रहे हैं लेकिन बच्चे मन के सच्चे होते हैं। काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे मिलके सभी लोगों से। तो आप लोगों को कैसा लगा यह वीडियो आप लोग जरूर बताइएगा। अखिलेश कुमार कहाँ से आए हैं, बिहार से। कौन से जिला से, कैमूर। कैमूर से आए हैं यहाँ पे। हाँ, यही रहते हैं कि आए हैं खाली घूमने, आए हैं घूमने। अच्छा कैसा लगा यहाँ का व्यू, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। सब चाचा लोग हैं यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे आपका नाम, हमारा संदीप कुमार नाम है। अच्छा आप भी कैमूर से हैं। हाँ जी। अच्छा पूरा कैमूर से ही पार्टी आया है। अच्छा भाई लोग बिहार से कैमूर से आए हैं यहाँ पे घूमने के लिए, ये आए ही हैं, इनके साथ साथ इनकी पूरी फैमिली आई है, ये इनके चाचा लोग हैं। हाय कर दीजिए चाचा जी एक बार। ये चारों चाचा जी के साथ आए हैं ये। काफ़ी अच्छा लगा फैमिली के साथ घूमना, काफ़ी अच्छी बात होती है, ठीक है। हाँ इधर है, यही है। अच्छा वो काफ़ी अच्छे अच्छे हमें सब्सक्राइबर्स यहाँ पे मिल गए, तो अच्छा लगता है ऐसे जगहों पे आके और आप लोगों का जब प्यार मिलता है। आप लोगों में से काफ़ी लोग छूट भी गए होंगे, अगर आप वीडियो में हैं और आप यह वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट में हमें बताइएगा। और साथ ही साथ जो लोग थे उनको जानने वाले कितने लोग हैं वो आप कमेंट में बताइए कि मेरी चाची है, मेरी मौसी है, मेरा भैया है, मेरा मामा का लड़का है, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग भी। हमें काफ़ी अच्छा लगता है आप लोग की प्यार, क्या आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की हमें ज़रूरत है, हमारे चैनल को ज़रूरत है। अभी हम लोग बाहर आ चुके हैं और
यहाँ से देखते हैं हम लोग किधर जाना है। नहीं हो रहा है, चाहे तो कहीं और भी जा सकते हैं लेकिन अभी और नहीं, अब चला जाएगा, अब घर चला है, थक गए हैं ये लोग। क्योंकि अभी हम लोग जा रहे थे तो एक भाई साहब बोले कि हम लोग के टायर का हवा कम है, रुक के हम लोगों ने देखा तो टायर फट गया है, ट्यूबलेस है। अब नीचे पहाड़ से नीचे जाने के बाद ही हम लोग को कोई दुकान वगैरह मिलेगी, इसलिए धीरे धीरे हम लोग जा रहे हैं, देखते हैं क्या होता है, शायद किस्मत खराब। हवा भरे वाला बड़ा नहीं कहीं भैया चेक कर रहे हैं बाइक को, अचानक बाइक की हवा गायब हो गई थी, तो हो सकता है कि पंचर होगा या फिर जो भी चीज़ें बना रहे हैं तब तक बाइक बनता है। तो बगल में रिसॉर्ट है, हम लोग चल के देखते हैं उसे और उसके बारे में आपको बताते हैं क्या है कैसे है। आगे ही रिसॉर्ट है, गेस्ट हाउस है, इस टाइप का है कुछ, देखते हैं क्या है यहाँ का सिस्टम। सब सारा है अंदर है, देख सकते हैं बोर्ड लगा हुआ है, राजदरी रिसोर्ट। यही है, राजदरी रिसोर्ट के अंदर हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पे काफ़ी अच्छा और काफ़ी बड़ा कैंपस है, पूरा ग्रीनरी है। आप देख सकते हैं ये बांस के पेड़, जो बांस का पेड़ होता है उसका पूरा बाउंड्री बनाया गया है, काफ़ी खूबसूरती से इसको लगाया गया है। ऐसे जनरली कहीं भी हम लोग देखते हैं तो बांस का पेड़ खूब ऐसे ही बड़ा 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 जंगल टाइप का, और यहाँ पर बाँस के पेड़ से बाउंड्री बनाया गया है, देख सकते हैं यहाँ पर वेलकम टू जंगल का बोर्ड है। रेस्टोरेंट भी है तो बढ़िया है, भूख मिट जाएगा। यहाँ पे रेस्टोरेंट भी है, अंदर हम लोग चलते हैं रेस्टोरेंट के अंदर। हम लोग रेस्टोरेंट का ही ढूंढ रहे थे, हम लोग सोच रहे थे दूर जाएंगे तब मिलेगा, लेकिन यहाँ पे रेस्टोरेंट है और काफ़ी अच्छा है, एक बार देख लीजिएगा बाहर घूम लीजिएगा। भूख लगा है, पहले पेट पूजा किया जाए बाद में खाया जाएगा। अरे राजदरी रेस्टोरेंट में लोग बैठे हुए हैं और पोटैटो चिली ऑर्डर किए, क्योंकि यहाँ पे पोटैटो चिली, क्योंकि हमें ज़्यादा भारी भी खाना नहीं खाना था और ज़्यादा हल्का भी नहीं, पेट भर जाए। पोटैटो चिली हम लोग ऑर्डर किए हैं, अभी खाते हैं, उसके बाद दिखाते हैं रिसोर्ट को कैसा है, क्या देखने में अच्छा लग रहा है चिल्ली, देखते हैं क्या होता है। पोटैटो चिल्ली भी देखने में अच्छा लग रहा है, रेस्टोरेंट भी अच्छा लग रहा है और ये रिसोर्ट भी अच्छा लग रहा है। अभी रेस्टोरेंट से बाहर हम लोग आ चुके हैं और कुछ यहाँ पे इस टाइप का व्यू है। इधर से एंट्री था और ये रेस्टोरेंट,
कुछ पार्क टाइप का एरिया है। आई लव राजदरी रिसोर्ट लिखा हुआ है, यहाँ से हम एंट्री करेंगे। राजदरी रिसोर्ट के अंदर हम जा रहे हैं और देखेंगे कि यहाँ पे कैसा व्यवस्था है। ये एसी रूम है और आप फैमिली के साथ, तीन लोग अलाउ है एक रूम में, फैमिली के साथ आ सकते हैं। और यहाँ पे पूरा लकड़ी का स्ट्रक्चर जो भी बना हुआ है, लकड़ी का बना हुआ है ओल्ड स्टाइल में, काफ़ी अच्छा है। एसी रूम था वो, आपने देखा कुछ इस टाइप का यहाँ पे स्ट्रक्चर है और चारों तरफ गोल में है और चारों तरफ यहाँ बना हुआ है रूम। आप फैमिली के साथ आ सकते हैं, अकेले भी आएंगे तो आप दिन भर घूमिए और शाम को आके यहाँ पे रुक सकते हैं। आप देख सकते हैं इसका भी व्यू काफ़ी प्यारा बनाया गया है। अंदर चल के दिखाता हूँ आपको, दिन में रुकने लायक नहीं है साथ में बहुत ज़्यादा है इसमें। बस वही चीज़ है, इसमें कूलर लगा हुआ है, बाकी कुछ नहीं। इसमें कूलर है, उसमें एसी था। बहुत ही अच्छा शानदार है ये रूम। ये कुछ देखने लायक है, ये बहुत बढ़िया रूम है। देख सकते हैं उधर से काफी अच्छा व्यू है, इधर बेड है, यही सही है फैमिली के लिए। बाथरूम जो है ना रूम के साइज का है इनका। चलिए दिखा कर बुक कराया जाए फिर। ठीक ठीक, ऑनलाइन अगर इससे लेते हैं तो 6,000 रुपये चार्ज है ऑनलाइन में। ऑफलाइन में आप खुद से बातें करके करवा सकते हैं। कुछ इस टाइप का इसका स्ट्रक्चर है, कुछ ओल्ड मॉडल टाइप का लुक दिया गया है, ओल्ड स्टाइल टाइप का। कूलर वाला अगर लेते हैं तो उसका 2,000 और एसी वाले का 3,500 चार्ज है। आइए देखते हैं, फैमिली है तो आपके बच्चे भी होंगे और बच्चे हैं तो इंजॉय ज़रूर करेंगे, तो उनके लिए कुछ स्पेशल सुविधाएं हैं यहाँ पे। आप देख सकते हैं ये देखिए, एक छोटा बच्चा वहाँ पे झूल रहा है और यहाँ साफ सफाई का काम चल रहा है। हो ठीक है, बना लेते हैं थोड़ा। ये देखिए, अगर आपके बच्चे हैं तो इस पर से जाएंगे, उधर से नीचे जाएंगे, इस पे गोल गोल घूमने के लिए। अभी लॉक है, इस पे गोल गोल घूमने के लिए, यहाँ झूला झूलने के लिए। वो बाबू देखो झूल रहा है, मज़ा आ रहा है बाबू, मज़ा आ रहा है। इधर देखो, हाय करो, बोलो सब्सक्राइब कर दो।